भारत माता, वेद माता, गायत्री माता का हमारे धर्म अध्यात्म और संस्कृति का गौरव बढ़ाया है। वेदों में क्या लिखा है अक्सर दुनिया के लोग नहीं पढ़ते, दर्शन उपनिषदों में, गीता में क्या लिखा है और योग तत्व क्या है ये किताबों में नहीं पढ़ते लोग। जब हम योगी आदित्यनाथ जी को देखते हैं तो वेद गौरवान्वित तो होते हैं, योग गौरवान्वित तो होता, धर्म संस्कृति भारत माता गौरवान्वित तो होती, ऐसे गौरवपूर्ण जीवन हो हमारा। और योगी जी के गौरव से हम सबका गौरव जोड़ा, क्योंकि योगियों का तो एक ही पंथ है, ये हमारी बिरादरी के हैं। दुनिया में अलग अलग बिरादरियों की बात होती है, लेकिन ये योगियों की बिरादरी के हैं, योगी हैं, ये कर्म योगी हैं, ये राष्ट्र योगी हैं, ये राजयोगी। और हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये जो ज्ञान कुंभ में मंथन हुआ कि योग, वेद, संस्कृत, संस्कृति, यह जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है इसको हम अपने विश्वविद्यालयों में गौरव दें। हमारे UGC के चेयरमैन धीरेन्द्र पाल सिंह जी, DP सिंह जी, वो भी धीर भी हैं, वीर भी हैं और सिंहत्व भी है उनमें। हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि UGC में पूरा योग लागू हो या ना हो, UGC के माध्यम से कम एक विश्वविद्यालय में एक योगी की नियुक्ति तो आप अनिवार्य कर ही सकते हैं साहब, इतना तो आप में सामर्थ्य है। और 900 विश्वविद्यालय हैं लगभग, और एक योगी का आभा मंडल वह सैकड़ों हजारों को प्रकाशित करता है। और मैं आश्वस्त हूं कि यह भी होगा। और जिस तरह से अभी रामविलास शर्मा जी हरियाणा के शिक्षा मंत्री आए हुए थे, उन्होंने हरियाणा में 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं तक संस्कृत को अनिवार्य किया, तो उससे जहां पर संस्कृत के माध्यम से अपने धर्म और संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है। संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं है, संस्कृत इस भारत की संस्कृति है, वो हमारा स्वभाव है, वो हमारी भारत की पहचान है, उसमें हमारे वेद शास्त्र, हमारी पूरी ऋषि परंपरा। और ऐसा ही यशस्वी काम उत्तर प्रदेश में होता है तो उसकी गूंज देश नहीं पूरी दुनिया में होगी कि संस्कृत को जो गौरव मिलना चाहिए वो गौरव, क्योंकि हमारे योगी जी तो संस्कृत के जीवंत स्वरूप हैं, धर्म के, संस्कृति के, परंपराओं के, हमने कहा उनको जब हम देखते हैं तो धर्म के वो मूर्तिमान रूप हैं, धर्म के वो साक्षात विग्रह। और इसलिए मैंने कहा उनसे हम सब की अपेक्षाएं और उन सब के साथ हम सब का गौरव जुड़ा है, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, वेदों और ऋषियों की पुण्याई जुड़ी है। और ऐसे में हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि देश में अब जो बड़े प्रश्न हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनका समाधान जब हो तब हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आए, कब आए, बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, बहुत दिन हो गए। अब कम से कम योगी जी के जितने सांसद हैं वो एक व्यक्तिगत बिल कम से कम संसद में ला सकते हैं। संविधान में और भारत के इस लोकतंत्र में संसद से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता, और उसमें भी अब ये होना ही चाहिए कि अयोध्या तो भगवान राम की भूमि है, ये कोई बाबर की भूमि नहीं है। अब इसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं। और मैंने तो कल मीडिया वाले जब मुझसे बहुत पूछने लगे, अभी भी ये सारे के सारे बंदूक सिताने इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या बोलेगे योगी जी साहब। तो मैंने कहा भाई दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष हो सकता है, उसका विरोध हो सकता है, पक्ष विपक्ष राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, भारत में राम का कोई विपक्ष नहीं है, ये सारा देश राम को अपना पूर्वज मानता, उनको अपना महापुरुष मानता है, उनके प्रति गौरव रखता है। और मैं एक बात तो यहां से इस पतंजलि योगपीठ से पूरी अध्यात्म सत्ता की ओर कहता हूं कि जब योगी जी के माध्यम से मोदी जी संसद में प्रस्ताव रखेंगे तो कोई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, यह इस लोकतंत्र का भी और वोट का भी सत्य है।
तो ये तो हुई बात राम की। और भाई हम तो चाहते हैं योगी जी आपके माध्यम से हमारे वेद गौरवान्वित हो, हमारा योग गौरवान्वित हो, गौ माता भारत माता गौरवान्वित हो, और आपके यशस्वी नेतृत्व में इस आधुनिक भारत में वैदिक भारत की प्रतिष्ठा हो, ऋषित्व देवत्व की प्रतिष्ठा हो, ये आशा और विश्वास हम आपसे रखते हैं। और वैसा ही आप जीवन जीते, ये योगी तो हैं ही, कर्मयोगी भी हैं, राजयोगी और मैंने कहा राष्ट्र योगी भी हैं, ये परंपरा से हठ योगी भी हैं। अब हठ योगी के दो अर्थ है, हकार कीर्ति सूर्य ठकार चंद्र उच्चते सूर्य चंद्रमा सूर्य योगा हठ योग निगत्य। एक तो ये हठ योग है जिनमें सूर्य और चंद्र जैसा औज तेज और प्रकाश है। दूसरा हठ योग का मतलब जो हमारे श्रद्धेय आदित्यनाथ योगी जो ठान ले, अब उस हठ को कोई टाल भी नहीं सकता। ऐसे सत्य के परम आग्रही हैं हम। आपके यहाँ आगमन से बहुत गौरवान्वित हैं, और हमने कोई राजनीतिक आग्रह इनसे कभी नहीं किया। जब भी हम इनसे मिलते हैं एक ही बात कहते हैं, आपकी सफलता में, आपके यश में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके गौरव में, आपके सम्मान में, हम सब योगियों का, हम सब सन्यासियों का, हम सब वेद धर्मियों का और राष्ट्र धर्म को अपना धर्म मानने वालों का गौरव जुड़ा है। आप जितने यशस्वी हों उसके लिए मैं स्वयं स्वामी रामदेव श्रद्धे आचार्य बाक्षण जी और ये पूरा पतंजलि योगपीठ जो भी कुछ कर सकता है, आप जिससे यशस्वी हो वो काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं कि आप गौरवान्वित होंगे तो हमारा धर्म अध्यात्म संस्कृति और राष्ट्र गौरवान्वित होगा। ऐसा हम आपको देखना चाहते हैं और ऐसे आप कर रहे हैं, ऐसे आप जी रहे हैं। आपके इस यशस्वी नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करते हुए आप यहाँ पर आए, इससे पूरा उत्तराखंड गौरवान्वित है। और यह ज्ञान कुंभ उससे, और इस ज्ञान कुंभ में आए हमारे सभी शिक्षाविद, सब कुलपति, शिक्षा से जुड़े हुए सभी शीर्ष महानुभाव स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक यशस्वी नेतृत्व जिसमें भारत का वर्तमान और भविष्य दिखता है, ऐसे आपकी पावन दिव्य उपस्थिति से यह पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार उत्तराखंड ही नहीं, मुझे लगता है जैसा कि हमारे भाई धन सिंह रावत जी ने कहा, जहाँ पर भी जाओ वहाँ मोदी जी में लोग एक आशा और विश्वास भरी दृष्टि रखते हैं और उनमें बहुत बड़ा भारत का भविष्य देखते हैं। ऐसे एक यशस्वी नेतृत्व हमारे बीच में एक बार पुनः उनका पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जो भी कार्य आदरणीय योगी जी, श्रद्धे योगी जी उत्तर प्रदेश में गौ माता की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, गाँव गरीब के उत्थान के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, संस्कृत के उत्थान के लिए, वेदों के उद्धार के लिए और योग से जन जन के जीवन में दिव्यता की प्रतिष्ठा करने के लिए जो कुछ भी करेंगे उसमें हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इनके साथ हम खड़े हुए रहेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः कृतज्ञ हृदय से उनके प्रति अपना हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए एक बार पुनः उत्तराखंड सरकार की ओर से, पतंजलि योगपीठ की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में बोले भारत माता की।